नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हां, अभी जो समाज की स्थिति हो चुकी है, सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही है, दहेज प्रथा को लेकर के पिछली सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार भी कही जा सकती है, जिसने सड़कों पे बच्चों को पंक्तियों में खड़ा कर दिया, बिहार के तमाम लोग खड़े होकर के विश्व रिकॉर्ड बनाए कि हमें दहेज का उन्मूलन करना है, दहेज के प्रति जागरूकता फैलानी है। लेकिन मामला इतना दिलचस्प होता चला गया है, ये दहेज के की कहानी कुछ ऐसी होती चली जा रही है जहां सिर्फ और सिर्फ पैसे की अहमियत रह गई है। वहां पे न तो कन्या का कोई अहमियत रह गया, न कन्या के पिताजी का, न उनके खानदान का, न उनकी प्रतिष्ठा का, न उनके सामाजिक प्रतिष्ठा का। कुछ इसी तरीके का वाकया बेगूसराय के सांसद जी गिरिराज सिंह जी के क्षेत्र बड़हिया से निकल करके आया है, जो बड़हिया के इंदूपुर के रहने वाले बलराम कुमार, जिनके पिताजी भरत दास हैं, जिसने अपनी शादी बड़ी बलिया दक्षिणी के बबली कुमारी, उनके पिताजी कारेलाल दास हैं, उनसे शादी हुई थी पिछले 24/5/2020 को, यानी लॉकडाउन में ही यह शादी हुई। अब आप समझ सकते हैं कि महज 5 महीने बीते हैं और इस 5 महीने में उस लड़की के साथ, बबली कुमारी के साथ, उस परिवार के लोगों ने कितने जुल्म ढाए, कितने सितम ढाए हैं, जिसका मैं आपको बताऊंगा भी और स्वयं बबली कुमारी को भी दिखाऊंगा कि बबली आखिर कह क्या रही है। आप सोच नहीं सकते हैं कि पैसे के लिए इंसान इतना गिर जा सकता है कि जिस बहू को अपने घर में इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए लाया गया, उसी बहू से फिजिकल अटैचमेंट करने की बात ससुर के द्वारा किया जाना, देवर के द्वारा किया जाना, यह कितना शर्मनाक है। कहां जा रहा है यह समाज और क्या रूपरेखा तय कर पाएंगे? बड़ा सवाल है कि जो लड़की ब्याह करके 2 महीने भी अपने ससुराल में ठीक से नहीं रह सकती, उसका जिंदगी आखिर उस घर में, उस कसाई के घरों में कैसे होगा, कैसे करेगी गुजर बसर? जबकि जब उस बबली कुमारी ने अपने हस्बैंड से ये बात कहा तो उसने सीधे तौर पे कहा कि मेरा काम था शादी करना, मैंने शादी किया, अब तुम जानो और हमारे पिताजी जानेंगे। अब जहां इस तरीके की परिस्थितियां हो, हालांकि लोगों के द्वारा जब वहां पे पता किया गया तो उक्त बलराम कुमार की एक कपड़े की दुकान है बड़हिया के मार्केट में, और बताया जा रहा है कि शुरू से ही बलराम कुमार कई लड़कियों के संगत में है भी। ये वाकया आपको निश्चित तौर पे रोंगटे खड़े कर देंगे कि जब लड़की के पिता ने मुंह मांगी रकम, हालांकि उन्होंने कहा कि हमने गिफ्ट दिया है, दहेज की बात नहीं करी है, लेकिन वो आप समझ सकते हैं कि वो दहेज ही होता है, पैसे भी दिए गए, सारे सामान भी दिए गए, लेकिन जिसके साथ शादी हुई वही लड़का कहता है कि हमारे पिताजी के साथ रहो, हमारे भाई के साथ रहो, हमारे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे घसीटा जाता है, जबकि मैं बता दूं कि बेगूसराय की प्रतिष्ठित कॉलेज जीडी कॉलेज से स्नातक मैथमेटिक्स से ऑनर्स हुई लड़की है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं। अभी भी उनसे कहा जा रहा है, बबली कुमारी से, कि आपको अपने परिवार से 3 लाख रुपए लेकर के आने हैं, तब इस घर में जगह मिलेगा, वरना आप अपना दुनिया देखिए। तो ये कहानी है हमारे समाज की कि हम कितना डेवलप कर पाए हैं, हम कितने मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं और बेटे और बेटियों में कितना फर्क है। हाथ में हाथ डाल करके, मानव श्रृंखला बना करके दहेज प्रथा का उन्मूलन अगर किया जा सकता है तो फिर ये घटना क्यों, इस तरीके की बातें क्यों, हम जानना चाहेंगे बड़हिया के सामाजिक संस्थानों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कि उन लोगों ने आखिर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आखिर एक मासूम की जिंदगी, आप बड़हिया के तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है
कि ऐसे परिवार को दंडित करने का लक्ष्य बनाएं और ऐसे परिवार को बताएं कि इस तरीके से अगर किसी के बहु बेटियों के साथ तुम खेलोगे तो तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार होगा। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है बढ़िया के इंदुपुर के सामाजिक सिस्टम पर, सामाजिक पद्धतियों पर, सामाजिक संरचना पर, और बहुत बड़ा सवाल अगर है तो वह है बलराम कुमार पर, जो कि यह जानते हुए भी कि उसके कई लोगों से संबंध हैं, उसके बावजूद भी उसने शादी का ये ढोंग रच करके जल्लाद के माफिक अपने पत्नी को लाया और 2 महीने में उसकी वो गति की है कि वो आज भी हॉस्पिटल में कराह रही है। आप बने रहिए बीडी न्यूज के साथ और देखिए कि उसके पिता कितने, बबली के पिता क्या बोल रहे हैं, बबली क्या बोल रही है। हम जल्द लौटेंगे आपको इसी पर एक अन्य समाचार के साथ, जिसमें कि पुलिस प्रशासन से भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिर आपके सामने ये घटना हो रही है और आपको पता क्यों नहीं चल रहा है। आप देखिए कि उनके पिताजी क्या बोलते हैं और फिर बबली क्या बोलती है। बोलिए ना, कुछ बोल सकते हैं। पहुंचाने के बाद इतना हुआ साहब, कौन पहुंचाने के बाद क्या बोले कि हम जैसे बोला ना घर के लोग, तो पापा बोले कि तो प्रेम भाव कहा मिले, तुम तो ऐसे हो लो, तब बोला कि पहुंचा दो, तुमने फोन के तो नाम को इतना गर किया। उससे समस्या है कि हमने जब ट्रेन में अति लग गए चोट, ये वहां कहल के कि ट्रेन में चोट लग गई, हमको नहीं बोला तो मुखिया की बात है, इनको गरम तेज बोलते हैं, ये बहुत अभी नरम से बोलने, वो गरज करके कोनो बात बोलते हैं, तो हम मुखिया से बात कराए कि बोला बोल क्या, मुखिया को बोला कि इनके ससुर चावल दाल घट गया कि से हम पहुंचा दें, कहले कि आप बेटा पहुंचा दीजिए, हम बोले उन मुखिया के आप बेटा पहुंचा दीजिए, हम चावल दाल आपको पहुंचा देंगे, बेटा के बेटी के दोनों को रखेंगे, जमा बेटी दोनों को रखेंगे, घर जमैया बसा लेंगे, हमको बेटा भी बोला घर जमैया बसा लेवे, ओकरे चावल मदद को पहुंचा देवे, मेरे बेटा बोला, हम भी बोले मुखिया जी के पास। मेरा नाम बबली कुमारी, घर बड़ी बलिया, अभी मायका, मेरा शादी हुआ 24 मई 2020 को, मेरा ससुराल हुआ बढ़िया भरत दास, मेरे ससुर हुए और मेरे हस्बैंड बलराम कुमार, और उसके बाद 2 मंथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मेंटली भी फिजिकली भी, पूरे फैमिली का। उसके बाद हम इस बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली टॉर्चर के बाद हम बहुत बीमार पड़ गए थे, जिसके दौरान हम पापा को कॉल किया, इस दौरान मेरा मोबाइल छीन लिया गया, बहुत कुछ हुआ और हम फिर यहाँ आ गए, पापा को कॉल किए, किसी भी तरह से मेरा मोबाइल छीन लिया गया था, फिर भी मोबाइल लेके किसी से कॉल किए और पापा को कॉल किए, तब हम बोले कि हम घर आ रहे हैं, पापा फिर हमको लेके यहाँ आए, इस दौरान हमको घर से भी निकाल दिया गया था। घर से किसने निकाला? सब मिल के चारों। अच्छा, वजह क्या कुछ समझ में आता है? वजह रुपया, 3-4 लाख रुपया। तो शादी में तो आपके पापा बता रहे हैं कि हमने सब कुछ दिया? हाँ, 10 लाख लगभग, 5 कैश के तौर पे और 5 सामान मान दे। इसके बबाद अब कितना डिमांड किया जा रहा है? 3 लाख लगभग, और इसी के लिए आपको मारपीट भी की जा रही है? हाँ। और क्या हरासमेंट दिया? और बहुत फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से बहुत टॉर्चर किया गया, और एक लड़की है उसके द्वारा भी टॉर्चर करवाया गया, कहने के लिए वो उसकी कस्टमर है, पर क्या है वो खुद बता सकते हैं। अच्छा, किसी अन्य से संबंध भी है क्या? हाँ। वो लड़की कहाँ की है? वही बढ़िया खुटहा की, उसका नानी घर है। अच्छा, उस लड़की का नानी घर है। तो आपके हस्बैंड, आप उनको समझाते नहीं? बहुत समझाने की कोशिश किए, उस लड़की को भी हम कॉल किए, उसी दौरान मोबाइल मेरा छीना गया। अच्छा, मोबाइल किसने छीना था? एक बार तो मेरे हस्बैंड छीने, फिर हम ले लिए जबरदस्ती की कॉल करना है, फिर से मेरे ससुर जी छीन लिए, उसके बाद फिर नहीं दिए हमको। किस तरीके की मारपीट भी की गई थी ना? जी, फिजिकली पूरी तरह से। इस दौरान मेरा हाथ भी काट दिया गया था। ये सब प्रताड़ना कितने दिनों तक आपके साथ रहा वहाँ? 2 मंथ लगे। आप वहाँ कितने दिन रही? 2 मंथ। तो नई में ही 2 मंथ रही, और नई में ही आपके साथ उसी दिन से, शादी के दिन से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया, 26 तारीख से। और कुछ कहना चाहें क्या? सरकार से क्या चाहेंगे, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? चाहते हैं कि बस वो ठीक हो जाए, अगर सही तरीके से रहे तो फिर से रहा जा सकता है, अगर नहीं रहे तो अलग बात है। बताइए सर, आपकी क्या समस्या है?
हम अपने शादी अपने बच्चिया का शादी किए थे बरैया, जिसमें हम सारा खर्चा बर्चा करते हुए सब कुछ कर दिए, लेकिन हमारे बेटी के साथ चारों मिलके बहुत बड़ा गलत व्यवहार किया। और चार में कौन कौन है? चारों है, ससुर है, देर है, पति है और सास भी है, चारों वही है परिवार। मैंने जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वो करके अपना। क्या नाम हुआ आपके समधी का? भरत दास, बरैया घर हुआ। दामाद का? बलराम। क्या है उसका पता होता? वही बलराम दास, वो बरैया लिखिए, वो अथी इंदूपुर सिना मोहर से दक्षिण साइड में। अच्छा, तो शादी में दहेज वहेज का भी डिमांड किया? हाँ हाँ, दहेज हम दिए, इसके बाद भी मांग रहा है। अच्छा, हम उसमें सब मिला के करीब 10 लाख रुपया खर्चा भी कर दिए हैं, इसके बाद भी 4-5 लाख रुपया और कहता हमको देना, वो बाप के दे दो, हमारा अलग से दो। इतने तक अब हम की बोलियो, हमें रिश्तेदार आदमी वह अलग, हम परेशान छे, हम अभी तक बर्दाश्त कर लिए। तो बच्ची आपकी वहां नहीं रह रही है? ना, निकाल दिया घर से वहां, तब ना उसको गाड़ी से ले आए। क्या नाम हुआ आपका? रजनी। और क्या समस्या क्या है आपके घर में? मतलब वो टॉर्चर करते हैं, रुपया मांग रहे हैं। कौन टॉर्चर करते हैं, क्या नाम है उनका? भरतदास, बलराम। रुपया मांग रहे हैं किस चीज के लिए? सामान लेंगे, और सामान लेंगे, उतना सारा सामान दिया गया। आपकी बहन का नाम क्या है? बबली। बबली, कब शादी हुई थी? 24 मई। तो कभी उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा? नहीं। नहीं, यहाँ नहीं आए, एक बार भी शादी के दिन ही आए थे बस। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई? हाँ। शादी में ही गई और मारपीट शुरू हो गई। हाँ। 24 को शादी, 26 से शुरू।